हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हमारे कुछ भाई लोगों ने जो है वो अभी तक की शिफ्टों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हमारे लिए एक ही जगह उपलब्ध करा दिया है। हमारे को उनका आभारी होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे हम इन सब क्वेश्चंस को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि आप हर एक शिफ्ट में जो है नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप नदियों का केवल एक 7-8 मिनट का वीडियो अगर यूट्यूब पर देख लेंगे तो आपके 2 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे और आपकी 1 लाख रैंक ऊपर आ जाएगी टीयर 1 के अंदर। इसी तरीके से अवार्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ से एनालिसिस करके, और ऑथर्स बुक्स के ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन 3, 4 या 5 आइटम्स जो करंट के अंदर पूछे जा रहे हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस का अंदाजा लगा सकें कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप उनको सही कर पाते हैं थोड़ा बहुत पढ़कर, तो मैं नहीं समझता इससे अच्छी बात आपके लिए कोई हो सकती है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पहले से पता होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चंस तो मैं एग्ज़ाम में यूं ही कर दूंगा, तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा और अच्छे से आप पेपर को कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं पिछले शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर पन्ना लाल घोष के बारे में, पन्ना लाल घोष बिलोंग्स टू विच इंस्ट्रूमेंट्स? फ्लूट। तो ये एक रैंडम क्वेश्चन है। रैंडम क्वेश्चंस का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो आप उनको इस जीके के अथाह सागर संसार में ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, नहीं आप उनको एग्ज़ाम में सोल्व करने की हम आपसे उम्मीद रखते हैं। आपको वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आपको लूसेंट्स के अंदर या फिर जो भी आपके जीके के नोट्स हैं वहाँ से आ जाए वो, और जो हम आज एनालिसिस करके बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक जैसे स्पोर्ट्स और ऑथर्स और अवार्ड्स, इन सब क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है। रैंडम क्वेश्चंस का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रैंडम क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप ठीक है कर दीजिए, नहीं आते हैं तो आगे बढ़ जाइए। ऑथर ऑफ द सेल आउट बुक इज पोल बूटी। तो ऑथर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ऑथर के बारे में भी पढ़ना होगा। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सारे टाइप के मिनिमम एज, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ये सब आपको याद होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए, जैसे लोकसभा के लिए 25 साल मिनिमम एज होती है, तो सारे टाइप की जो मिनिमम एज है वो आपको याद होनी चाहिए। तो लूसेंट के रिवीजन जो हम आगे करने वाले हैं उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हु आज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य? बिंदुसारा। ये एक बेसिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। दोस्तों, नहीं भी पता है तो हम लूसेंट्स का जो रिविजन करने वाले हैं उसके अंदर आपको एक झलक इसकी देखने को मिल जाएगी। तो विच डायनेस्टी केम आफ्टर तुगलक? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो थोड़ा डिटेल में पढ़ने के बाद ही आप इसको याद रख पाएंगे, क्योंकि हम जनरली याद नहीं रखते हैं कि कौन सी डायनेस्टी आई थी किसके बाद में। मेन में डायनेस्टी के बारे में हम ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इक्वेरियन मिलिट्री एक्साइज बिटवीन इंडिया। तो अगर मिलिट्री एक्साइज के क्वेश्चन हमें आने वाली शिफ्टों में जो हम आगे एनालिसिस करने वाले हैं वहाँ पर भी मिलती हैं, तो हम एक्साइज का एक अलग ही वीडियो बना देंगे, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि जापान, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो एक्साइज होती है उसको मालवार एक्साइज बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर सोइल मॉइस्चर टेंशन? तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि बैरोमीटर किसे कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर नापने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, टेम्परेचर नापने वाली चीज़ को थर्मामीटर कहते हैं। तो उन्हीं सब के अंदर ये आता है टेंसोमीटर। टेंसोमीटर हु गोट द पॉलीमर ओमेगा अवार्ड? अब देखिए, अवार्ड का क्वेश्चन फिर से आ गया, एक ही शिफ्ट में 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करंट का क्वेश्चन है कि इंडियन स्टेडियम होस्टिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच इन 2016। तो ये भी हम करंट के जो वीडियो पढ़ाएंगे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में, तो उनके अंदर कवर कर देंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो SI यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जनरली आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आप SI की सारी यूनिट्स जो हैं देख सकते हैं। तो आगे आले चलते हैं हम। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट? तो ये क्वेश्चन है जो एक बेसिक पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स का। तो इसको हम डिटेल में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आंसर कर सकते हैं, नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप बाकी क्वेश्चन आंसर करिए और आगे बढ़ते चलिए। नेम ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अरविंद पनगरिया। तो ये चेयरमैन वाले क्वेश्चन भी अगर आगे पूछे जाते हैं तो इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। नीति आयोग रिप्लेस विद द कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। विच मेमोरी स्टोर डाटा द परमानेंटली? परमानेंटली मेमोरी का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक तरीके के पूछे जा रहे हैं एक दो। अब आप ये कभी भी अपने आप से उम्मीद मत रखिए कि आप 25 के 25 क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आप 25 में से 20 क्वेश्चन भी कर देते हैं ना, तो आप SSC में बहुत बड़ा तीर मार लेंगे दोस्तों।
ये मैं आपसे बहुत ही एनालिसिस करने के बाद कह रहा हूँ, जब 50 नंबर का एसएससी का पेपर हुआ करता था तो जिनकी जीके अच्छी हुआ करती थी वो तो वो 25 नंबर लाते थे ना, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अब अगर आप 20 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 40 नंबर आ जाएंगे, तो 40 नंबर 50 में से एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाएंगे, कम से कम 4-5 लाख रैंक आप आगे निकल सकते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। टर्टल रिजार्ड स्नेक फॉल अंडर द कैटेगरी रेप्टाइल, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है साइंस का, बहुत ही छोटे बच्चे क्लास के क्वेश्चन किसको सोल्व करके बता सकते हैं। रिसेंटली यूएसए मेड विच कंट्री एज मेजर डिफेंस पार्टनर इंडिया। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज कैटायन, कैटायन जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, तो ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास में, कैटायन और एनायन जो होते हैं। जो सैंडस्टेन इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्स, तो ये क्वार्ट्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे। वेयर इज द टेम्पल ऑफ भैरवा, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भैरवा टेम्पल है, तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं दोस्तों, तो टेम्पल्स वाला वीडियो भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर, ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर, ये चार ऑप्शन दिए होंगे, उसके अंदर सबसे पुअर कंडक्टर जो है ग्लास रहा होगा, तो ग्लास सही आंसर है। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 24 मार्च 1946, तो ये भी एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट ये बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही दाएं हाथ का खेल है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एसएससी की तैयारी वाले ज़्यादा इस में ध्यान नहीं देते हैं, तो ये एक बेसिक जीके है आपको जो एसएससी में देखने को मिल रही है। इस बेसिक जीके में भी अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे जाने वाले हैं, तो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले उनकी बलिदानी का आप फ़ायदा उठाइए और आने वाली अपनी शिफ्टों में अच्छा पेपर कीजिए दोस्तों। वेयर इज पटेल भैरवा टेम्पल इज लोकेटेड, तो उज्जैन में लोकेटेड है, तो यहाँ भी एक टेम्पल का क्वेश्चन हमें देखने को मिला। वन क्वेश्चन ऑन मूवमेंट ऑफ एलोंग डिमांड कर्व, तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक्स के अंदर से, और ये लिटरेचर के ऊपर जो बुकर प्राइज है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। बुकर प्राइज मेन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हर एग्ज़ाम में रेलवे एसएससी इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर होते हैं, तो ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये जो है बाहरी चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे जीके में, मतलब डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि उस फंडामेंटल राइट को कौन से सेक्शन के अंदर डाला गया है, कौन सी रिट इसके बाद आती है, क्या होता है, तो आपसे बस ऊपर ऊपर की चीज़ पूछी जा रही है। तो आप इसको एक ऊपर से अगर किताब को पढ़ते हुए भी चलेंगे ना, लूसेंट की एक बार रीडिंग भी मार लेंगे ना 5-6 घंटे के अंदर अंदर, तब भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप उन चीज़ों को इंटरेस्टफुली पढ़ें और याद करके पढ़ें। उसका वीडियो हम लूसेंट के रिविजन का आपके लिए बनाने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उससे। फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, यह भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लवनी फेस्टिवल विच स्टेट, लावनी जो है महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, आइला माथे माजी सटकले। मेडिकल स्कीम ऑफ एपीएल फैमिली इन आंध्रा आरोग्य रक्षक, ये एक रैंडम क्वेश्चन है, हो सकता है आपको आया नहीं आया। नेम ऑफ द मेटल यूज्ड गैल्वेनाइजिंग एजेंट, गैल्वेनाइजिंग तो एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों, जहाँ भी गैल्वेनाइजिंग देखो जिंक लगा दो, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। फाउंडर ऑफ एक्सरे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फाउंडर भी पूछा गया है, तो अगर आगे आने वाले एनालिसिस में हमें फाउंडर के क्वेश्चन मिलते हैं तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ों के फाउंडर्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। विलियम कोनार्ड रोडिंगटन के जो है फाउंडर ऑफ एक्सरे, इन्होंने इसके अलावा बहुत सारे और भी डिस्कवरीज की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है हमारी हिस्ट्री में रोडिंगटन। विच इज़ द मेन असेंबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू, ये क्वेश्चन अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं या नहीं भी चलाते हैं, मतलब कोई भी बच्चा हो उसको भी ये क्वेश्चन आता है, तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वाई ब्लैक बोर्ड लुक्स ब्लैक, इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। शेख हसीना बिलोंग टू बांग्लादेश। अनेमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड, बहुत ही बेसिक चल रहा है यहाँ पर सब कुछ। हाउ मेनी प्लेयर्स इन वाटर पोलो, तो यहाँ पर एक देख सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नव्या सूत्रा बुक वॉज रिटन बाय अक्षपदा गौतमा, तो यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑथर्स के ऊपर। विच राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी आर्टिकल 21, ये इमरजेंसी के दौरान होने वाले राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इमरजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे हैं वो इमरजेंसी के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल गया होगा, तो उन बच्चों ने आसानी से लगा दिया होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक जीके पूछी जा रही है,
जीके में जो एवरेज स्कोर होगा बच्चों का, एवरेज स्कोर की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं वो होगा करीबन 25 से 30 नंबर के बीच में। तो आपको 40 नंबर लाने हैं दोस्तों, एवरेज स्कोर पे नहीं रहना है, 40 नंबर लाने हैं तभी तो आप आगे रहेंगे कंपटीशन से। तो देखते हैं दोस्तों आगे। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन, ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर आर जीरो एंड इनफाइनाइट रेस्पेक्टिवली। तो ये एक बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, सोलिन कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस, जो कि एक फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, ये भी एक सोलर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया। मरियाना ट्रेंच जो कि सबसे डीपेस्ट है, 11,000 मीटर जिसकी ऊंचाई है, 11 किलोमीटर डीप में ये है पैसिफिक ओशन, जिसके अंदर अभी जेम्स कैमरून ने, जो टाइटेनिक के डायरेक्टर हैं, उन्होंने डाइव लगाई थी। तो ये मरियाना ट्रेंच का करंट का क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया, द पैसिफिक ओशन। तो ये एक तरीके से लार्जेस्ट डीपेस्ट वाले क्वेश्चंस के पार्ट का क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उस पर ध्यान देंगे। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ लेजर प्रिंटर। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार फिर इन्वेंटर का क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं आगे ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ये पिछली बार यहाँ पर है कि इन्वेंटर का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, रोंगेटन वाला पीछे चला गया। हाउ मेनी नंबर मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेजिडेंट इन लोकसभा, दो। नो, प्रेजिडेंट के द्वारा दो होते हैं राज्यसभा के अंदर, कुछ ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं दो। तो ये हमारे को क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको जरूर अंदाजा होगा। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यूनिट का क्वेश्चन एक बार फिर हमें देखने को मिला, जैसे फोर्स का यूनिट देखने को मिला था। डनकन लाई पासेस थ्रू द इंडियन ओशन, तो ये लाइन का क्वेश्चन है, एक रैंडम क्वेश्चन मान सकते हैं। ओलिजोपोली मोनोपोली, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल पूरी उपलब्ध नहीं है कि ये कौन सा क्वेश्चन थे, क्या ऑप्शन थे इसके। हु इन्वेंटेड डायनामाइट, तो एक और इन्वेंशन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। तो इन्वेंशन जो है हमें पढ़ के जाने ही होंगे, एक और कैटेगरी हमें यहाँ पर है। टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। स्केड्यूल फोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। व्हाट डिसीज, विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज, मलेरिया। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, 11। सेफ्रोन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, स्टिग्मा। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच पार्ट, फुटबॉल, विच स्पोर्ट। एट विच प्लेस ग्रेविटी इज द हाइएस्ट, पोल्स। पोल्स पे ग्रेविटी हाइएस्ट की होती है क्योंकि सेंटर्स और ये पोल्स हैं, तो यहाँ पर जो है ग्रेविटी हाइएस्ट होती है। एनेमिया इज कॉज ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन रिपीट हमें देखने को मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2016 का स्विमिंग का, इस प्रदीप कुमार का दिया गया है, ये कोचेस को दिया जाता है। ये मैक्सिमम लैंड शेडेड विद कंट्री, बांग्लादेश। नियोमेथेलिज्म प्रिंसिपल रिलेटेड टू रिसोर्स स्केरसिटी। व्हाट इज द रिडक्शन, गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई विच डिवाइस, हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर एक डिवाइस वाला पार्ट भी हमें पढ़ना होगा, तो ठीक है ये डिवाइस वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। बैक टू वेदास स्लोगन, दयानंद सरस्वती स्लोगन वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जाइलम वाला क्वेश्चन हमें फिर से देखने को मिला है यहाँ पर। विच मेटल इज यूज इन बर्न, टंगस्टन, ये बेसिक क्वेश्चन है। ऑथर ऑफ एस अगेंस्ट द ओल्ड बुक, सानिया मिर्जा, ठीक है। ऑथर्स वाला जो है, ट्रीज डेट लूज ऑल देयर लीव्स वंस आर कॉल्ड डेसीडियस फॉरेस्ट, जो है पतझड़ वाला फॉरेस्ट जो है उनको डेसीडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। तीन चार टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट वगैरह। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइमरी टेरिटरी सेक्टर इंटरपेनेट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन, पीएनजी जेपीजी, ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इन सब एनालिसिस के बाद में हमने जो देखा, जो जो टॉपिक्स हमें रीड करने हैं उनके बारे में हमने एक पीडीएफ बनाई है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हमें आगे रीड करने हैं आइए जानते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स एक जो है जेपीजी, पीएनजी, रोम, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर बेसिक्स की एक अलग वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। एक दो दिन के अंदर मैं ये सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि जो लोग 14 तारीख के बाद में अपनी शिफ्ट देने जाएंगे तो उनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है।
तो इसको जरूर पढ़ के जाएं, आपको 10 नंबर ज़्यादा लाने का एक चांस मिल रहा है, तो प्लीज़ इसको देखिए। बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेमस इन्वेंशंस के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, जैसे कि एक्सरे का क्वेश्चन आया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे तो रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्म रिवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विराट कोहली को पोली उमर गर अवार्ड दिया गया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली हमने जो एनालिसिस किया है ये पिछले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का, वो इसीलिए किया है कि ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमें क्या क्या पढ़ के जीके में, इन अपने जो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है आपको 3-4 घंटे का, उसमें आप इन सब चीज़ों को एक साथ पढ़ के जाएंगे, और आपको 10 नंबर अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो बेसिक जीके जो है वो भी लूसेंट का, जो हम जीके का एक रिविजन करने वाले हैं बहुत ही फास्ट वे में, उससे आपको ये भी कवर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ के जाने वाले हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, चाहे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको जरूर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, उसकी वजह से आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि SSC CGL की कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बातों में ध्यान ना लगाएं, इससे अच्छा आप इस चीज़ को पढ़ें और जो ये टॉपिक्स टू रीड हैं इसको करके जाएं, और आने वाली शिफ्टों में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। जो लोग पहले शिफ्ट दे चुके हैं उन लोगों ने हमारे लिए बलिदानी दी है, तो उस बलिदानी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इन सब क्वेश्चंस को कर दे आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ आप सब इन वीडियोस को देखें, आने वाले 1-2 दिन में ये सब वीडियो अपलोड कर दे जाएंगे हमारे जॉब स्क्रू चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और 13 से 14 तारीख तक आपको ये सारे मिल जाएंगे, 14 तारीख के शिफ्ट में आप इनको देख के जा सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।